हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आवर लास्ट डे इन लैंसडाउन और आज हम जा रहे हैं यहाँ के कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे, और कोटद्वार में एक बहुत ही पुराना मंदिर है उस पर जाएंगे आज हम। और अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रेडी हो गए क्योंकि 11 बजे चेकआउट है, तो रेडी पूरे हो गए। बस ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा मेकअप करके फिर निकलेंगे। तो अभी चलते हैं फिर ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज हम लोग बैठे हैं अंदर वाली डाइनिंग में। कल हमने बहुत सारी धूप ले ली थी। शुरू हो जाओ, धूप में बैठना चाहिए तो अभी हम करेंगे नाश्ता, फिर उसके बाद निकलेंगे। मेन पॉइंट्स दिखाऊंगी आपके। सो हे गाइस, हम हो चुके हैं रेडी और अभी हम कर रहे हैं चेकआउट यहाँ से। तो अभी चलते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, और फिर दिखाती हूँ हम कहाँ जाते हैं आज। आज हम जाने वाले हैं बहुत ही अच्छी अच्छी जगह, मैं दिखाऊंगी। सो हे गाइस, अभी हमने कर दिया यहाँ से चेकआउट और अभी निकलेंगे यहाँ पे जो मेन स्पॉट हैं उनको देखने के लिए। बाकी कुछ जगह हम कल चले गए थे, कुछ जगह आज जाएंगे। और थैंक यू भैया, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये होटल कविता पहले से ज़रूर आके चेक करना, नया होटल बना है, काफ़ी अच्छा है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। नाम क्या भैया आपका? दीपक। और ये था हमारा व्यू जो मैंने रूम से दिखाया था। और वो वाले भैया, उन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया। तो थैंक यू भैया। अभी हम निकलते हैं और जल्दी से चलते हैं फिर, क्योंकि शाम हो जाएगी घर जाने में भी आज। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। ये देखो आप, यहाँ से आर्मी ने कितना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे मतलब डिस्टेंस वगैरह पूरी दिखाई हुई है, इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स। ये रास्ते में पड़ता है जहाँ से कैंटेरिया स्टार्ट होता है ना लैंसडाउन का, वहाँ पे पड़ता है ये इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स नर्सरी। ये हम आए थे आर्मी म्यूज़ियम में और यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब म्यूज़ियम के वो दिए हुए हैं कि ये सब जो भी यहाँ पे आर्मी में रहे हैं, लेफ्टिनेंट वगैरह कर्नल, उन सब की फोटोज वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, कॉइन से पुराने। और ये यहाँ पे मेडल, वीर चक्र हैं, वीर चक्र, अशोक चक्र। वाओ, ये देखो यूएसए पिस्टल, ये भी यूएसए पिस्टल्स है। और ये देखो भाई साहब गजब। और ये वाली पिस्टल देखना कितनी, ये देखो भाई पिस्टल कितनी लंबी। मतलब पूरी नियाबारी इतनी लंबी पिस्टल है। INS विराट। ये देखो, ये बटालियन का जो ये परेड वगैरह निकालते हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो हम लोग अभी आए हैं म्यूज़ियम देख के व्यू पॉइंट पे। यहाँ से दिखता है हिमालय। अच्छा, वो है वहाँ पे ठंडी सड़क, भाई साहब कच्ची सड़क है बिल्कुल ही। और यहाँ पे देखो ये कितना प्यारा व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। आराम से बैठो, चाय पॉपकॉर्न लो, मैगी लो। आज थोड़े बादल है, हिमालय नहीं दिख रहा, वरना कल हिमालय दिख रहा था पूरा एकदम। बहुत मस्त व्यू आ रहा था कल हिमालय का। अभी हम जा रहे हैं भुल्ला ताल। तो वहाँ पे भूल गया था कोई अपना सामान, बोलते भुल्ला ताल, उसको मिलाना था बेचारे को। यहाँ पे बारिश हो गई तो ताल भर गया, उसको भुल्ला ताल बोलने लगे। देखते हैं कैसा अभी जाके। हम आए हैं अभी भुल्ला ताल और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ताल है जिसमें कि आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। ये देखो, ये है वेलकम टू भुल्ला ताल। तो अभी हम चलते हैं भुल्ला ताल में, बोटिंग देखते हैं। बोटिंग करेंगे नहीं करेंगे, हमने बहुत बार बोटिंग की हुई है बहुत सारी जगह, मसूरी लेक वगैरह में। और ये जो मसूरी में एक गार्डन पड़ता है उसमें। तो अभी यहाँ देखेंगे भाई। यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे टिकट है जो कि 150 पर पर्सन है। तो वो अगर आपको बोटिंग वगैरह करनी है और आप बोटिंग में इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आओ, बिल्कुल करो, क्योंकि हमने कई बार करी हुई है। तो हम सोच रहे थे कि हम नहीं करेंगे, बट हाँ अब अगर टिकट लिया है 150 रुपये का तो हम ज़रूर करेंगे। हम बिना करे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, जगह प्यारी है क्योंकि क्लीन है काफ़ी। और यहाँ पे ना एक झूला है जैसे आपने देखा होगा ना बाली में थोड़ा सा वैसा बनाया हुआ है वो पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ पे लोग अपनी वैसे फोटो कराते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक झूला है इतना ही बड़ा है, यहाँ पे ये झूला है। अगर ये पहाड़ों वगैरह के ऊपर होता, माउंटेन्स के ऊपर होता तो और ज़्यादा प्यारी वीडियोज़ वगैरह आती, लेकिन ये फिर भी काफ़ी देखो ऊपर से डाला हुआ है ये। तो यहाँ पर भी हम वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो खिंचाएँगे और फिर निकलेंगे। तब तो बता देते मुझे भी, देखो मोहित कर रहे हैं आज भी। ओ नहीं लगा और एक पैर अगर खड़का था। आपको खेले आप जंप, हाँ जी करो जंप। हे गाइस, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अभी बोटिंग, जो कि हम बहुत सारी बार कर चुके हैं। आज तो मजबूरी में करनी पड़ी, मैंने 150 दे दी पहले वरना तो वैसे हम नहीं करने वाले थे। हमने भीमताल में की हुई है, हमने मसूरी में की हुई है, दो तीन बार की हुई मसूरी में। तो भाई मतलब आज नहीं करने वाले थे, बट हाँ अब अगर यहाँ का टिकट में इंक्लूडेड है तो क्यों नहीं। कौन सा मैच बेटू काम वो देख कहाँ जा लिया भाई। ये देखो हम बाहर निकल चुके हैं, अब सी यू अगेन गढ़वाल राइफल्स। हे गाइस, तो हम निकल चुके हैं अभी लैंसडाउन से और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखो यार, मतलब भाई गहराई गहराई है, शार्प वाली एकदम। और वो भी गाइस, हम लोग आए हैं अभी द टेरेस फैमिली रेस्टोरेंट मैगी और चाय लेने के लिए। ये देखो बढ़िया बनाया हुआ भैया ने, और मैगी चाय। यहाँ से व्यू दिखाती हूँ मैं, व्यू बड़ा प्यारा होगा वहाँ से। कैंसिल, ये देखो यहाँ से व्यू। हमारी मैगी बहुत बढ़िया मैगी बनाई है भैया की वाइफ ने, एकदम बटरी एकदम। मजा आ गया। ये आ गए हम सिद्धबली धाम, बहुत ही प्यारी जगह है। ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे। ये देखो ये है, यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स जाके है पूरा मंदिर लग रहा है जी। थक गए, स्टेयर्स हैं बहुत। देखो यहाँ से व्यू ऊपर से कितना प्यारा व्यू है। और ये फिर मंदिर, हम पहुँच चुके ऊपर। ये देखो व्यू, नदी देखो, पानी। चलो सो ये है मंदिर परिसर, और यहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति रखी हुई है। ये देखो दर्शन कर लो जय हनुमान बोल के। और यहाँ पे देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। ये था ऊपर मंदिर जहाँ हम अभी जाके आए हैं, और यहाँ पे है एक शिव जी का मंदिर। अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं। ये है शिव जी का मंदिर। वाह यार ये व्यू देखो। हम पहले जब आई थी ना, मैं एकता और दीदी आई थी, चाची आई थी, अंकल आए थे। चाची नहीं आई थी, आई थिंक दीदी आई थी, अंकल आए थे हाँ। तो हम इधर भी गए थे। आज हमारे पास टाइम, एक्चुअली हम लेट हो रहे हैं, तो अगर लेट ना होते तो हम इधर भी जाते ज़रूर। तो अभी हम बस यहाँ से घर निकलेंगे, उधर नहीं जा पाएंगे। इतने बड़ा दुख हो रहा है यार, काश हम जाते वहाँ पे भी, बड़ा याद आता है वो दिन ना। ये सनी देव का मंदिर, अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं। ये यहाँ पे मंदिर की मार्केट है, यहाँ पार्किंग वगैरह है। उधर आई थिंक रहने का है, वो रेस्टोरेंट है, धर्मशाला है ठहरने के लिए। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और अब हम जा रहे हैं घर। और अब गाड़ी रुकेगी घर जाके, या फिर बीच में अगर रुकी तो कुछ खाने पीने के लिए, वरना तो बस घर रुकेगी जाके अब गाड़ी, क्योंकि अब हम हो जाएंगे लेट। गाइस यार बहुत थक चुके हैं सच में, मतलब 6 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं मोहित, और सच में परेशान हो गए होंगे, मतलब बहुत लंबा सफ़र है। और अभी हम रुके हैं यहाँ पे जैन सिकंजी पे। यहाँ पे जैन सिकंजी पे ये यहाँ रुके हैं, खाना पीना खाएंगे फिर घर निकलेंगे। तो हे गाइज हम पहुँच चुके हैं घर, बहुत थकान हो चुकी है आज, बहुत थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मिलते हैं कल। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। बाय बाय।